दोस्तों अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पहले वनडे में जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों हार चुके पहले वनडे मैच में सूर्य कुमार और केएल राहुल ने अंतिम ओवर में जाकर जितवाया मुकाबला, तो यह देखकर भारत की होते हुए भी भड़क उठी सानिया मिर्जा ने, कहीं आग बबूला कर देने वाली बात। लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने दिया ऐसा मुंहतोड़ करारा जवाब की सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे के बाद जो सानिया मिर्जा और सूर्य कुमार यादव के बीच बहस हुई है वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला जीतकर भारतीय टीम ने 1-0 से इस श्रृंखला में बढ़त हासिल कर ली है। वही आपको हम बताते हुए चले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 276 रन बनाए थे और 277 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे था। हालांकि दोस्तों इस मैच में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को रौंद कर रख दिया और फिर जब भारतीय बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने यहां तेज गति से रन बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ 71 तो वहीं शुभमन गिल ने 74 रन बनाए, लेकिन यहां जब ये दोनों बल्लेबाज एडम जाम्पा का शिकार बने तब सुरेश अय्यर और ईशान किशन के विकेट के बाद मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वापसी कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में अब भारत की जीत नहीं हो पाएगी, लेकिन तब मसीहा बनकर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर यहाँ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ अर्धशतक तो जड़े और साथ में भारत को जीत के नजदीक भी पहुँचाया और इस बीच कप्तान केएल राहुल ने 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 58 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 50 रन की पारी खेली और जिसके चलते टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। और दोस्तों इस मुकाबले में सूर्य कुमार भले 50 रन बनाने के बाद शीन एबॉट की गेंद पर मिचेल मार्श को कैच जरूर थमा बैठे थे, लेकिन भारतीय टीम तब तक मुकाबले में काफी आगे बढ़ गई थी और ऐसे में दोस्तों भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे की जीत देखकर पूरा भारत देश तो खुश नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ भारत की होते हुए भी सानिया मिर्जा का यहाँ गुस्सा भड़क उठा। जी हाँ दोस्तों, भारत की जीत उन पर बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बोला कि आखिरकार एक बार फिर से भारत ने विड्रावा करना शुरू कर दिया जो कि आज से 5 साल पहले से करता चला आया है, क्योंकि भारत को पता है कि यहाँ हम मुकाबले को बस बेईमानी करके ही जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से पिच को बिल्कुल भी वैसा ना बनाए जैसे कि वो है, पिच को बिल्कुल पूरी तरह से बदल दें, अपने बल्लेबाजों के हिसाब से पिच बनाएं, शुभमन गिल को एकदम सपाट पिच दें जिस पर वो बड़े रन बना सके, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार और केएल राहुल को ऐसे पिच दें जो कि अंडर लाइट से अच्छे से वर्क करे और हमारे बल्लेबाजों को मदद करे। ऑस्ट्रेलिया के हित में आज का ये मैच था ही नहीं, उनकी तरफ से ना तो उनको गेंदबाजी में मदद मिली और बल्लेबाजी उनके लिए काफी मुश्किल थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ भारत को लगभग एक तरफा मैच में कर ही दिया था, क्योंकि टीम इंडिया तो भले बेईमानी से और पैसा खर्च करके मैच को जीतना जानती है और वो यही इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रणनीति अपना रही है और भारत एक बार फिर से 3 वनडे फिर से जीत जाएगा और पूरी दुनिया में महानता के उसके गुणगान होंगे। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा भड़कते हुए सूर्य कुमार यादव नजर आए, जहाँ सूर्य कुमार यादव ने यह तक कह दिया कि अगर आपको यह लगता है कि हम बेईमानी करके मैच जीतते हैं तो सानिया जी आप एक बार भारत में आकर खुद अपने हिसाब से पिच बना लीजिए और फिर हमारा और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला करवाना, तब देख लेंगे कि कौन सी टीम मैच जीतेगी या फिर नहीं। हम अपनी मेहनत से मैच जीतना जानते हैं, हमें पाकिस्तान की तरह बेईमानी करके और बेईमानी का खाके मैच जीतने की आदत नहीं है। और दोस्तों ये बात सुनने के बाद पूरा देश सूर्य कुमार यादव को सलाम ठोकर आए। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।